हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं गाड़ी में बैठे बैठे कर रही हूँ, तो आज मैं मार्केट जा रही हूँ और आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो मार्केट पहुँचने वाली हूँ मैं, अभी पंडा पहुँची हूँ, थोड़ी देर में मार्केट भी पहुँच जाऊँगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ मार्केट में दिखा पाऊँगी। तो वैसे बहुत भीड़ रहेगी आज मार्केट में। और मैं कह रही थी कि मैं पंडा पहुंची हूँ, पर मैं पंडा नहीं रही पहुंची हूँ, मैं गौर से देख रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। और मार्केट में बहुत भीड़ है आज, और जन्माष्टमी की वजह से लड़कियाँ, स्कूल की बच्चियाँ सब लोग मटका वटका लेके, कलश यात्रा थी मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सभी लड़कियाँ इसी मुझे गेटअप में दिख रही हैं और हाथ में कलश और नारियल, जितनी भी लड़कियाँ दिख रही हैं। और रामलीला के मैदान में कुछ आवाज़ भी आ रही थी स्पीकर से, तो हो सकता है कि कलश यात्रा थी। और जो भी मेरा काम था, काम तो हो गया, और अब हम बैठे हैं कुछ खाने के लिए सत्कार में, और मेरी क्राइम पार्टनर मेरे साथ बैठी है। देखो इतना बड़ा मुंह खोलेगी अभी खाने के लिए। तो खा, मुझे बता दो करने वाली है, तो खाना। और नीचे पे बेंच में तीन आंटियां बैठी हैं, उनको देख के हमें अपनी याद आ रही है, क्योंकि हम भी ऐसे तीन फ्रेंड्स थे और अभी वो एक दूसरे की फोटोज खींच रहे थे, तो हमें वही याद आ रहा है। वो हमारे साथ भी लेगा आपको, भीड़ दिखा रहे हम लोगों को हैं। टॉप टी शर्ट का कपड़ा बता दो, कपड़ा तो वेलवेट का कहीं भी मिल जाएगा, टॉप या टी शर्ट वहाँ सिलता, मैं पूछेगी तो कह रही हूँ। और ना जन्माष्टमी की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, जगह जगह पे कान्हा जी वाली ड्रेस मिल रही है, कान्हा जी की मूर्तियाँ मिल रही हैं, मतलब सब वही दिख रहा है मार्केट में, पूरी मार्केट में वही दिख रहा है, किसी के पास मोर पंख दिख रहे हैं, किसी के पास कान्हा जी की ड्रेस दिख रही है। तो वैसे आज भी है, कुछ लोग आज मना रहे हैं जन्माष्टमी और कुछ लोग कल मना रहे हैं। वैसे जन्माष्टमी का मुहूर्त आज शाम 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक है, तो शाम को भी मना सकते हैं। आज अष्टमी तो रात को ही होती है, वैसे भी कृष्ण जन्म रात को ही होता है। और अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कि गाड़ी कब चले। तो घर पहुंच के लंच वंच करके थोड़ी देर हम रेस्ट कर रहे थे, तब तक बंदरों ने अपना हमला कर दिया, अटैक, हल्ला बोल किया है, और ककड़ी लगी हैं और भट्ट हुए हैं, तो उस वजह से मम्मी लोग, भाभी लोग बंदर भगा रहे हैं। और ले गए हैं ध्रुव, बंदर भगाने के लिए क्या ले गए, ध्रुव की बंदूक, मेले से लाया था ध्रुव आठू के मेले से, और वो प्यापुरी पुआ पुआ भगा रहे हैं। अरे यार ये तब बजाओ, ये पू बजाओ दादी, पू बजाओ दादी, पू बजाओ, अरे पू बजा ध्रुवी, ये ये ध्रुव पू बजा रहे, ध्रुवी पू बजा जोर से। अरे सारे एक ही साथ पत्थर क्यों खत्म कर रहे हो? ये तू भी पू बजा, ये पत्थर खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, वो मैं बता रही हूँ। ढूंगा खत्म, सकीना इंतजार कर, पत्थर वाल तक उन्हें ये क्या लिया ढूंगा, मैं ये भी लेके आई, डंडा नहीं मिला। क्या चंडा चंडा चैन पैरी ध्रुव डांस करेगा बाबू,
जहाँ टन टन वहाँ रखा है, मिठाई रखी है वहाँ पर। जूते उतारते हैं पहले अंदर अंदर ही घुस जाते, जूते उतारते जा तक। देखो तो इसको पकड़े, फिर आप खड़े होगी पहले, ऐसे खड़े हो जाओ, फिर मैं आपको ये दूंगी। वो पाया दादा को, खड़े हो जाओ। वो भगवान जी, यहाँ भी तो खाना है, वहाँ भी तो खाना है। खुर्चन चढ़ू मर्ची खुर्चन तो लिया ना, खा रहे ऐसे ऐसे अंगुली सर, अंगुली लगा ना, बैठाओ फिर इसको, बैठ बाबू। चम्मच से खाते हैं। लो कान्हा जी माखन खाओ। मैं बोला अरे अपने मामा के साथ बजाता ना, वो तो कर रहे हो। चल कर दे बाबू। अरे यहाँ नहीं उठाना, इसमें से एक ही बोया कर रहे हैं। खाना जी, ओ खाना जी, चलो खाना जी बाहर चले, खाना जी हैं, खाना जी, ओ खाना जी चले बाहर, चले बाहर खाना जी, ओ खाना जी जेड़ जाले चाम रही। चलो खाना जी, अब खाना जी चलो बाहर। मुरली भी बजाता है, ले ले ध्रुव, ले मुरली। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज हमारे यहाँ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी, तो मैंने ध्रुव को कान्हा जी बनाया था, और ये है हमारी प्यारी सी मेरी फ्रेंड की बेटी राधा बनी है, अमायरा नाम है इसका, और भी है मेरी दीदी की बेटी, इसका नाम है मौली, ये भी राधा रानी बनी है प्यारी सी। और ना म्यूज़िक के साथ ये सारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूज़िक हटा दिया है, इनके अलग से सिंगल मैं वीडियो डालूंगी पक्का से। और इसके बाद भी है मेरी दीदी की बेटी और बेटा ध्रुव से जो 2 दिन बड़ा है वो है ये। और जन्माष्टमी का प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया है, तो अब है खाना बनाने की बारी। तो बंदरों से बचा बुझ के हमने मक्के तोड़ लिए हैं, और इनको बनाएंगे नई रेसिपी से, इसको ग्राइंड करेंगे और इनके दाल देंगे माड़े। तो ग्राइंड कर लिया है मैंने, और थोड़ा सा पानी मिला के इसमें अब नमक हल्दी वगैरह मिर्च वगैरह जो भी डालना हो वो बनाएंगे, और उसके बाद मैं इसके साथ बनाऊँगी रायता भी बनाऊँगी। बन गए हैं हमारे माड़े और रायता, अब इंजॉय करते हैं। व्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।